नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों डीसीए पीजीडीसीए प्राइवेट का जो होता है सीवी रमन का, उसका हम रिजल्ट किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो पोर्टल है यहाँ से हम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इस पोर्टल में आ सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखा देता हूं दोस्तों आपको क्या लिखना होता है गूगल पर। तो देखिए कोई भी ब्राउजर में जाना है और यहां हमको लिख देना है आईसेट ऑनलाइन, ये लिखेंगे दोस्तों तो सेकंड नंबर पर ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट रिजल्ट सर्च का ऑप्शन रहेगा, इस पर हमको क्लिक करना है तो इस पोर्टल में हम आ जाएंगे। और यहाँ हमको रिजल्ट निकालने के लिए यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम सेलेक्टेड करेंगे तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो सीवी रमन है। तो देखिए CVRU प्राइवेट ये लिखा है, इस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हमको डालना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से हम अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। यहाँ हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एग्जाम के समय मिलता है दोस्तों, आईडी पासवर्ड एग्जाम दिलाते समय वही रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ इंटर करना होता है, तो यहाँ गलती कर देते हैं दोस्तों। देखिए डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए हमको सबसे पहले मंथ को डालना होता है, फिर डे, फिर ईयर, ये हमको टाइप करना होता है। लेकिन यहाँ गलती कर देते हैं दोस्तों कि यहाँ हम डे को डालते हैं, फिर मंथ को डालते हैं और ईयर को डालते हैं, तो ये जो है रिजल्ट जो है शो नहीं करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ मंथ को डालेंगे, फिर डे, फिर ईयर, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मंथ को डालेंगे, फिर डे को डालेंगे, फिर हम ईयर को डालेंगे। ये करने के बाद यहाँ से हमारा देखिए दोस्तों सेमेस्टर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ आपको बहुत सारे सेमेस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो डीसीए और पीजीडीसीए होता है वो केवल दो सेमेस्टर का होता है, तो यहाँ आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो देखिए हम वन सेलेक्ट किए, सर्च रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ हमारा शो हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, ये हम अभी देखे हैं दोस्तों। देखिए इसका ये जो रोल नंबर यही होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, और ये डीसीए कोर्स है और इनका यहाँ नाम आ जाएगा कैंडिडेट का, और यहाँ उसका फादर्स नेम आ जाएगा, और यहाँ सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, थ्योरी में कितना मिला है, प्रैक्टिकल में कितना मिला है, असाइनमेंट में कितना मिला है, टोटल मार्क्स इसको कितना कितना मिला है। और यहाँ आप देखेंगे तो रिजल्ट में देखेंगे दोस्तों तो पास दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट सेम में पास है, और यहाँ आपको सेम देखने को मिल जाएगा, तो ये फर्स्ट सेम का है। इसी तरीके से आपको सेकंड सेम का देखना है तो यहाँ आना है दोस्तों, और सेकंड में क्लिक करना है और सर्च रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये सेकंड सेम का आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप पीजीडीसीए का भी रिजल्ट को देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ हमको पूरा टोटल देखने को मिल जाए, तो उनके लिए आपको दोनों सेम का एक साथ लाना है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का, तो यहाँ आपको आना है सेमेस्टर पर और यहाँ से हम कर देंगे जीरो। जीरो करने के बाद यहाँ हमको सर्च रिजल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि ये दोनों सेम हमारा एक ही पेज में आ जाएगा। ये देखिए ये दोनों सेम का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आप रिजल्ट को, देखिए
रिजल्ट में सभी में पास है और फर्स्ट सेम का दिखा रहा है, सेकंड सेम का भी यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ देखिए विकल नंबर कितना मिला है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, किन किन सब्जेक्ट में आपको पेट्रिकल मिला है वो पेट्रिकल आपको यहाँ शो हो जाएगा, और जिसमें माइनस का निशान है उसमें आपका पेट्रिकल नहीं था दोस्तों, इसलिए यहाँ आपका पेट्रिकल नंबर शो नहीं हो रहा है। जो जो सब्जेक्ट में पेट्रिकल का नंबर होता है वहाँ वहाँ ये जो पेट्रिकल नंबर है वो शो होता है। इसी तरीके से आपको असाइनमेंट में कितना नंबर मिला है वो सारा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, कितना कितना नंबर यहाँ आपको मिला है। इसी तरीके से ये तीनों को जोड़कर ये जो टोटल नंबर जो आपको मिला है वो ये नंबर है, तो इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। अब हमें पूरा टोटल इसको निकालना है दोस्तों, तो हमको आना होगा यहाँ प्रिंट स्टूडेंट रिजल्ट पर, हम जैसे क्लिक करते हैं और देख पाएंगे यहाँ देखिए, यहाँ हम नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा देखिए ये हमारा टोटल थ्योरी का नंबर यहाँ जुड़ गया है और यहाँ हमारा प्रैक्टिकल नंबर जुड़ा हुआ है और ये जो है हमारा असाइनमेंट नंबर है और ये तीनों को जोड़कर ये हमारा टोटल नंबर इतना हमको मिला है। इस तरीके से हम यहाँ देख पाते हैं ये हमारा टोटल नंबर होता है। अब इसका अगर हमको परसेंट निकालना है तो हमको परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये टोटल से हमें भाग दे देना है, टोटल से भाग देना है 1350 से, तो जो हमारा परसेंट है वो निकल जाएगा। कि डीसीए के लिए हमको देना होता है टोटल 13.5, ये करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको पीजीडीसीए का निकालना है तो पीजीडीसीए के लिए आपको जो भी टोटल है आपका उस टोटल के साथ भागित 13 करना होता है, तो आपका पीजीडीसीए का भी परसेंट निकल जाएगा। और दोस्तों इसे अगर आपको डाउनलोड करना है या प्रिंट आउट निकालना है तो उनके लिए आपको आना होगा ऊपर, ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंट का, यहाँ से हम इसमें बैक जा सकते हैं और यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे हम सेव भी करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ से सेव करके रख लेते हैं, देखिए हम सेव पीडीएफ पर क्लिक किए और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो डीसीए का है, तो हम यहाँ डीसीए लिख लेते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।